हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण सेठ और आज मैं वेलकम करता हूं आपको इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ तोड़फोड़ मोटिवेशन। यस दोस्तों, ये सीरीज मैं इसीलिए शुरू कर रहा हूं बिकॉज देखिए, सीए जर्नी एक बहुत ही लोनली जर्नी है। आप समझिए, इट्स अ लोनली जर्नी एंड इन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई साथी मिल जाए, कोई कंपेनियन मिल जाए जो आपको मोटिवेट करता रहे, बिकॉज आगे तो बढ़ना है भाई, ऑप्शन नहीं है जरा भी नहीं। ठीक है, तो आज दोस्तों, एज यू ऑल नो, कल रिजल्ट का दिन था एंड कई सारे लोग पास हुए एंड देर वर ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु कुडंट मेक इट। नाउ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई रियली नीड टू शेयर, स्पेशली विद दो सेट ऑफ पीपल हु कुडंट क्लियर। देखिए, जो पास हुए हैं उनकी भी क्या अपनी ही चैलेंजेस है बाई द वे, राइट? क्योंकि जो जब रिजल्ट इतना तगड़ा निकलता है ना, तो जो पास एक्सपेक्ट भी नहीं करता वो भी हो जाता है। तो उसे शायद इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी, उसे फिगर आउट करना होगा कि उसे प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है, जॉब इंडस्ट्री में करनी है, बिग फोर में करनी है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। बट राइट नाउ ऑब्वियसली माई हार्ट स्टेज एंड एम्पथाइजेज विद दोज पीपल हु कुडंट क्लियर बिकॉज आई हैव बीन इन दैट स्पेस। आई हैव बीन इन दैट स्पेस बिकॉज मेरा अभी फाइनल सी ए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, वेल लेट्स कीप दैट डिस्कशन फॉर सम अदर डे। ठीक है, पर डेफिनेटली आप गेस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में एंड आई वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यस। नाउ कमिंग बैक टू पीपल हु कुडंट क्लियर, सबसे पहले मुझे याद है जब मैं फेल हुआ था, राइट? यू वॉन्ट बिलीव गाइस, मुझे इसका करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें मुझे 15 मार्क्स मिले थे। कैन यू बी दैट, 15 मार्क्स? एंड वो एक ऐसा सब्जेक्ट था तो मैंने एक्चुअली मेरे दोस्त है उनको पढ़ाया था, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया था और वो सब एग्जेम्पशन लेकर आ रहे हैं। आई वाज शॉक्ड कि मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल गए। तो जनरली लोग क्या करते कि जब रिजल्ट का दिन आता है तो या तो वो बहुत दुखी होते या तो बहुत ही खुश होते। मैं हंस रहा था, यस आई वाज एक्चुअली लाफिंग बिकॉज मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि वो मेरा रिजल्ट है। यस, मैंने मेरा रिजल्ट को चेक नहीं किया था। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था टू चेक इट एंड व्हेन दे टोल्ड दैट करण यू हैव फेल्ड बोथ द ग्रुप्स एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट इसका में तुझे 15 मिला है, आई वाज लाफिंग एट इट। आई वाज लाइक, मॉम दिस इज नॉट माय रिजल्ट, आप बराबर से रीड कीजिए करण दीपक शेठ लिखा है कि नहीं। एंड मैंने 10 जन से चेक करवाया, मैंने खुद भी 10 बार चेक किया एंड वो मेरा ही रिजल्ट था। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज I did not accept the reality. I disowned it. I completely disowned the fact कि वो मेरा result था. Because मेरे ख्याल में मेरे को इसका में 50 नहीं 51 marks आने चाहिए थे, और इसीलिए मैंने revaluation के लिए भी डाला. And you won't believe, उसमें actually मुझे 11 mark मिले थे. Institute was generous enough कि उन्होंने पता नहीं standard edition करके मुझे 4-5 marks ज़्यादा दे दिए थे, report card में 15 थे. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार रियल इंस्टीट्यूट को चेक ही करना नहीं आता, तो आई वॉज ब्लेमिंग इंस्टीट्यूट, राइट? बट फिर मैंने, यू नो, मेरी मदर ने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि करण चल, तेरे हिसाब से तो तू गलत नहीं है, काम कर, तू अपनी, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, उसको इसका में ऑल इंडिया लेवल हाईएस्ट आया था, राइट? उसका नाम आई रिमेम्बर कोमल हुआ करता था, उसको हाईएस्ट आया था, उसको कुछ 80-85 आया था। आई आज डर के कुमार तू प्लीज मेरी कॉपी चेक कर देगी क्या? और मुझे, यू नो, जेन्यूनली ये फीडबैक दे कि मैंने सही आंसर लिखे या गलत। सिंपल, यू नो, सही है तो सही, गलत है तो गलत, बस ऑनेस्ट फीडबैक दे। एंड यू नो, एंड शी कॉल्ड मी अप एंड सेड दैट, यू नो व्हाट करण, मैं तुझे 11 मार्क्स भी नहीं देती, इतने बुरे आंसर्स लिखे तूने। दैट इज द टाइम आई रियलाइज दैट आई एम रॉन्ग, और ये बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला पड़ाव है जीत की तरफ, कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं फेल हुआ, क्या दिक्कत है उसे। एंड जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, पता है क्या हुआ, द नेक्स्ट थिंग आई डिड इज मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं यही मार्क्स को उल्टा करूंगा, 11 को नहीं 15 को। और मैंने सोच लिया था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में 51 लाऊंगा इसका में, बिकॉज मेरा DT/IDT स्ट्रॉन्ग था। मैंने बोला उसके थ्रू मैं क्या है उसमें एग्जेम्पशन लाने की कोशिश करूंगा और ग्रुप निकालूंगा। एंड यू नो,
व्हाट आई डिड, एक किताब आई है, उसे बोलते हैं कि यू शुड ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग, यानी आपको अपना सबसे अनप्लेजेंट काम सुबह ही खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा दिन टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस में नहीं गुजरेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी डन द यू नो अनप्लेजेंट थिंग इन द मॉर्निंग. तो जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता, आप सबसे पहले उसे पढ़िए और फ्रेगमेंटेड तरीके से पढ़िए. यस, मैंने पूरा इसका पूरा दिन मैं इसका नहीं पढ़ता था, मैं दिन का सिर्फ 3 घंटा पढ़ता था और लिखता था बकायदा. मैंने तो बकायदा वाइवास दिए मेरे मॉम को, क्योंकि उन्हें भले नहीं पता हो पर मुझे पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो मैंने तन तोड़ मेहनत की, मैंने वो सब्जेक्ट को दूर जाने से ज़्यादा मैंने उसे एम्ब्रेस किया, बोला भाई इस बार तो लाना ही है. इंस्टीट्यूट ने फील किया कैसे मुझे, एंड वही हुआ दोस्तों, मैंने मैंने तन तोड़ मेहनत की, एंड यस मुझे 51 आया. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि मुझे 15 उस अटेम्प्ट में आया था जब रिजल्ट 20% निकला था, माने वन ऑफ द बेस्ट एवर रिजल्ट्स दैट ICS एवर डिक्लेयर्ड. एंड मुझे 51 तब आया जब इंस्टीट्यूट ने 5% रिजल्ट निकाला था, वन ऑफ द टफेस्ट दैट दे एवर हैड. तो ये भी एक मिथ याद रख लो कि आज काफी डिसेंट रिजल्ट निकाला था, छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट निकाला था इंस्टीट्यूट ने, इंटर हुआ फाइनल, और उसमें शायद ऐसा हुआ होगा कि आप क्लियर नहीं हुए. तो ये कभी मत सोचना कि आप अगले अटेम्प्ट में, जब शायद रिजल्ट इतना ना निकले, थोड़ा कम निकले, बिकॉज दैट्स हाउ ICS वर्क्स, आप शायद फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे रिजल्ट में पास नहीं हुए, तो कम रिजल्ट में तो चांस ही नहीं. ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं उसका क्लासिक प्रमाण हूं कि मैं पास हुआ हूं. आज अपने आप को कहला सकता हूं विद फुल कन्विक्शन दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड सबसे पहला चीज, आई विल टेल यू क्या होता है, आई विल टेल यू ये जर्नी क्या है. जर्नी ये होती है कि सबसे पहले मन में आता है सेल्फ डाउट, राइट? पहले तो आप रिजल्ट को डिसओन कर देते हो, पर ऑब्वियसली कितने दिन तक डिसओन करोगे, रियलिटी के साथ तो जीना ही, स्पेशली रिवैल्यूएशन में भी वही अगर आंसर आता है जो आपका क्या रिजल्ट बोल रहा है, कुछ मार्क्स चेंज नहीं हुए, तो अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बॉस कि गलती आपसे हुई है. पर फिर आता है सेल्फ डाउट कि मैंने इतना सारा एफर्ट डाला था, तन तोड़ मेहनत की थी, 18 घंटे 12 घंटे दिन रात पढ़ाई की है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया. तो अब वो रिजल्ट कैसे आ पाएगा? और शायद मैं इतनी मेहनत वापस कर पाऊंगा क्या, ये थॉट आना चालू हो जाता है. आप अपने पास्ट के एफर्ट्स को इतना तवज्जो, इतना इंपॉर्टेंस दे देते हो कि आप वापस एफर्ट मारने की कोशिश ही नहीं करते. ये गलती करते हो आप. एंड आई विल टेल यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल. ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने एक रील बनाई थी, मैं क्रिएटर भी हूँ आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे, विद 50,000 फॉलोअर्स, राइट? प्लीज फॉलो लाइक. बट मैंने बहुत मेहनत की थी, आप समझिए कि मैं वो बंदे के यहाँ पे 3 बजे गया था जस्ट टू कैप्चर हिज प्रोसेस, कि वो कैसे वो इडली वगैरह बनाता है एंड उसकी स्टोरी क्या है. मैंने उसमें 10,000 रुपये डाल दिए थे एक वीडियो के पीछे, जो जनरली है मंथली बजट होता है. और मैं फुल कन्विक्शन के साथ था कि ये तो भैया जाएगी, मिलियंस में व्यूज आएंगे इसके, और वो नहीं आई, फेल हो गई. उसमें एवरेज 30,000-40,000 व्यूज आए थे. एंड यू नो व्हाट, उसके बाद मुझे नया कंटेंट पीस क्रिएट करने का मन ही नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज लाइक आई गिव माय बेस्ट बट इट स्टिल डिड नॉट वर्क आउट. सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कंटेंट फ्रॉम नाउ. एंड ये चला हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना. उसके बाद अचानक से मैं बस एक बार सुबह सुबह पोहा खाने निकला था एंड मैंने बना ली एक रील एंड इट वेंट वायरल. एंड इट जस्ट टुक मी 5 मिनट्स टू मेक दैट रील एंड इट जस्ट वेंट वायरल. इट हेल्प मी ग्रो फ्रॉम 10,000 टू डायरेक्टली 50,000. तो दोस्तों
आप समझिए कि मैंने अगर वो एफर्ट नहीं डाला होता, वो ही अजम्पशन में अगर मैं जी रहा होता कि यार मैंने बहुत एफर्ट मार दिया लास्ट टाइम, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं एफर्ट मारना ही बंद कर देता हूं, इससे आप एक ही चीज करते हो, अपनी पॉसिबिलिटी को रोक रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखना, इफ यू डोंट आस्क आंसर इज ऑलवेज नो, एंड इफ यू डोंट ट्राई देयर इज नो पॉसिबिलिटी, यू हैव ऑलरेडी फेल्ड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग, अंडरस्टैंड दैट, यू नो। एंड अ वेरी सिमिलर थिंग यू नो हैपेंड विद दिस अमेजिंग वुमेन कॉल्ड गुंजन सक्सेना, who happens to be one of the first lady Air Force officers. You know, एक movie बनी है उसपे, उसका एक बहुत ही ब्यूटिफुल इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये आपके लिए ही लागू होता है। तो यू नो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ ये था कि उन्होंने अपनी जो भी फिजिकल और IQ टेस्ट देनी वो दी, उसमें उत्तीर्ण लाई, शी एक्चुअली वॉज you know she topped it, but she still was rejected. You know why? Because you need a certain height, a certain weight, and a certain vision to become a pilot, Air Force pilot. So vision unka sahi tha, height unki 1 centimeter se kam thi, aur unka weight 7 kilo se overweight tha. To 7 kilo zyada tha unka weight, aur 1 centimeter se unki height kam pad rahi thi. उनको रिजेक्ट करने को, उनको रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर दिया, और उनको ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको अपील करनी है तो 2 हफ्ते का टाइम है, आप अपील कर सकते हैं। तो शी केम होम एंड शी वाज इन डिप्रेशन, शी लॉक्ड हरसेल्फ यू नो फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड फाइनली शी स्पोक टू हर फादर, एंड हर फादर सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पंकज त्रिपाठी का बहुत बढ़िया रोल है उसमें, उन्होंने बोला गुंजन सक्सेना को कि गुंजन देख, आंसू बहाने से ज़्यादा बेहतर है कि तू पसीना बहा। और हाँ, मैं मानता हूं कि जो हाइट आप तेरी है वो 1 centimeter से मैं बढ़ा नहीं सकता, ना ही तू बढ़ा सकती, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज योर हाइट बियॉन्ड अ पॉइंट। बट हाँ, एक चीज जो अपने कंट्रोल में है वो है कि तू अपना वजन घटा सकती है, 7 kilo का जो ओवरवेट वजन है वो तू घटा सकती है, एंड यू कैन एटलीस्ट डू दैट, because that is in your favor. That's also a challenge, because वो 2 week में करना है, but yes, there is something called as Rekha diet. अगर वो तूने follow कर दिया, तो पक्का हो जाएगा. And the first question that Gunjan asked was, कि ठीक है, मैं weight तो कम कर लूँगी, पर height का क्या? Height का क्या? वो तो नहीं बढ़ा पाऊँगी ना? तो फिर तो वैसे भी fail ही होने वाली हूँ, reject ही होने वाले हूँ. तो आगे जब reject ही होने वाले हूँ, तो मैं weight भी अपना क्यों घटाओ? Simple. क्योंकि पता है कि रिजल्ट फेल ही होने वालों, रिजेक्ट ही होने वालों, बिकॉज मैं आज मेरी टेम्पररी डिसेबिलिटी को कवर कर सकती हूँ, पर परमानेंट को ठीक नहीं कर सकती, तो पापा क्यों भागू मैं, क्यों ये रेखा डाइट करूं, क्यों हर रोज सुबह उठो, क्यों मैं डाइट फॉलो करके करेले का जूस क्यों पीऊं, प्लीज एक्सप्लेन। और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, मुझे सिर्फ इतना पता है गुंजन, ये आंसू बहाने से ज्यादा जरूरी है तो पसीना बहा, और तू जो अपने कंट्रोल में है वो कर। Somehow he was able to convince Gunjan and she started losing her weight. Time came, 2 weeks down the line when they were going for the appeal, again a weight check happened. She passed that test. She was absolutely as per the standard weight, but she was again as expected 1 centimeter shorter than the height that was expected, because obviously a height नहीं बढ़ा सकते हो, करेक्ट। नाउ व्हेन शी रिवोल्टेड बैक, व्हेन शी रिबेल्ड बैक, यार 1 centimeter से क्या हो जाएगा बे, 1 centimeter में छोटी हूं ना, हाइट में छोटी हूं, क्या क्या हो जाएगा उससे, हाउ विल दैट अफेक्ट यू नो माई माई नेविगेटिंग स्किल्स, हाउ विल दैट पॉसिबली अफेक्ट, प्लीज एक्सप्लेन ऑफिसर। एंड यू नो द ऑफिसर एक्चुअली मेड हर सिट इन द कॉकपिट। तो होता क्या है कि जब आप बैठते हो ना, तो आपकी हाइट अगर छोटी है, तो आपकी जो रेंज है टूवर्ड्स यू नो योर कॉकपिट सीट एंड योर यू नो जॉयस्टिक, जिससे आप कंट्रोल करते हो पूरा का पूरा वो हेलीकॉप्टर, वो रीच ही नहीं हो पाती, बिकॉज आपकी हाइट छोटी है, तो आपका हाथ भी छोटा होगा, तो सिंपल सी बात है कि आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक इतने ईजिली कंफर्टेबली जितना कोई बड़ी हाइट वाला पहुंच सकता है।
इसीलिए वो कंडीशन रखी गई है सोच समझ के, एंड वो पैरामीटर वो सेटिस्फाई नहीं करते हो तो सिंपल यू आर नॉट फिट टू फ्लाई यू नो फ्लाई द हेलीकॉप्टर। वो समझाने की कोशिश ही कर रहा था, उसने गुंजन को बैठाया, बट सम हाउ यू नो वट गुंजन वॉज एक्चुअली एबल टू रीच दैट जॉयस्टिक प्रीटी कंफर्टेबली लाइक हिम बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सीट। तो जिस कंफर्ट से वो उसे खींच पा रहा था उसी कंफर्ट से गुंजन भी खींच पा रही थी इन स्पाइट द हाइट डिफरेंस, एंड दे वर शॉक्ड टू सी दैट। एंड फाइनली व्हेन दे टुक मेजरमेंट्स ऑफ ऑल हर बॉडी पार्ट्स दे रियलाइज्ड दैट दो गुंजन्स हाइट वॉज 1 centimeter लोअर देन वॉट यू नो इट वॉज एक्सपेक्टेड, वो 1 centimeter छोटी थी, बट सरप्राइजिंगली उसका जो हाइट का लेंथ है वो एक नॉर्मल ह्यूमन से 1.5 centimeters बड़ा था। यस, तो उसका हाथ बड़ा था, उसकी हाइट छोटी थी पर उसका हाथ नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा बड़ा था। एंड यू नो द ऑफिसर सेड दैट जब भगवान ने ही आपकी बेटी को इस तरह से बनाया कि वो उड़े, वो एक प्लेन को उड़ाए, वो एक हेलीकॉप्टर को उड़ाए, तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला, शी इज एब्सोल्युटली फिट टू रन दैट हेलीकॉप्टर बिकॉज हर हैंड्स कैन ईजिली यू नो रीच द जॉयस्टिक एंड इट विल बी कंप्लीटली यू नो फाइन इफ शी सिट्स इन द कॉकपिट एंड फ्लाइज द प्लेन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग दैट अगर गुंजन वो 7 kilo कम नहीं करती, अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो 7 kilo कम नहीं करती, अगर वो अपील नहीं करती और बस बैठ जाती कि यार मेरे लिए तो है ही नहीं ये वो फलाना ढिंकाना, राइट, वो ये फैक्ट को कभी जान ही नहीं पाती कि भले उसकी हाइट छोटी थी पर उसके हाथ लंबे थे और वो बनी थी एयरफोर्स पायलट बनने के लिए। वो ये फैक्ट हमेशा उससे हमेशा छिप जाता, कभी ये इस चीज को डिस्कवर ही नहीं कर पाती। मैं बस आपको भी यही हिदायत देना चाहता हूं कि आप सक्सेस से इतने नजदीक हैं, क्या पता भगवान ने आपको चुना ही हो सबसे अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए, बट आप गिव अप कर गए और आप ये कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाए कि आप सीए बन सकते थे, अच्छे मार्क्स से बन सकते थे और नवंबर 23 में ही बन सकते थे, आप फिगर आउट ही अगर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज आपने हिम्मत लास्ट मोमेंट पे हार ली, तो फिर कैसे चलेगा, राइट? कई बार हमको नहीं पता हम कितने नजदीक होते सक्सेस से, एंड आई डोंट वांट यू मिस दैट चांस ऑफ डिस्कवरिंग दैट ट्रूथ दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है दोस्तों, बस इतना बोलना था कि हिम्मत मत हारिए, राइट, एंड आई जस्ट कंप्लीट दिस मोटिवेशन लेक्चर विच इज अमेजिंग शायरी दैट माई सीनियर टोल्ड मी व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू लो टाइम्स, विच सेज लाइक कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती किसी भी तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। यस, और अब वक्त आ चुका है कि आपकी तकदीर भी बदले और वो बदलेगी नवंबर 23 में, ट्रस्ट माई वर्ड्स, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मेंटरिंग करूँगा, कोचिंग करूँगा, यू आर फ्री टू कॉल मी राइट ऑन द नंबर गिवन बिलो, एंड प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, स्टे इन माई कम्युनिटी, बिकॉज अगर आप इंटर सीए के स्टूडेंट हो तो मैं क्रैश कोर्स ऑलरेडी दोस्तों फ्री में ले रहा हूँ 8th of July से, आपको डिटेल्स मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप कर, और फाइनल सीए के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी मैं कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ, जस्ट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ट्रस्ट मी मैं दो चीज़ कर पाऊँगा, आपको आपकी मेंटरिंग कर पाऊँगा और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का जो इस सब्जेक्ट का बोझ है आपके सर से हटा दूंगा, इतना मेरे एंड से प्रॉमिस है आपको, दैट्स इट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर आप बढ़ाएंगे तब जाके बजेगी ताली और तब इस बार हम लोग करेंगे नवंबर 23 अटेम्प्ट को डेफिनेटली पार। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, एंड लेट्स
डू सम काम, ठीक है, काम काज वाला काम, ओके, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, शेयर कीजिए मोटिवेशन उन सभी दोस्तों के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, बिकॉज अगर एक लाइफ भी चेंज होती है, एक बंदा भी इससे अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और जो क्विट करने वाला था वो दे देता और वो पास हो जाता, तो बॉस ये मेरे जो 20 मिनट मैंने बिताए, और बाय द वे मैं बिना पंखों और एसी के ये लेक्चर ले रहा हूँ सो दैट आपको कोई फालतू आवाज़ ना सुनाई दे, तो ये मेरा क्या है, सफल हो जाएगा वक्त और पसीना, ठीक है, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट थोड़ा आपके क्या है मूड में चेंज आया हो, थोड़ा पॉजिटिवली क्या है सोच पाए हो, बस इतना याद रखना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मुझे भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, राइट, और तब जाके मैं आज फिर भी अपने आप को सीए कहता पा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।